किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ट्रैक्टर देखकर ही आप समझ गए होगे भाइयों ये कि ये क्या चीज़ है। तो स्वराज 735 है अभी और पानी वाला पंखा चला रहा है ये भाइयों, देख सकते हैं आप। तो बहुत ही लाजवाब काम कर रहा है, बहुत ही शानदार काम करता हुआ नज़र आपके लिए आ रहा है ट्रैक्टर, ये देख सकते हैं आप भाइयों यहाँ पे। तो इसमें पीटीओ सिस्टम से पंखा चल रहा है भाइयों, इसमें केवल एक ही पंखा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे इसका सिस्टम है नदी में, तो ये नदी देख सकते हैं आप, नदी पे चल रहा है भाइयों। तो ट्यूबवेल जैसा ही काम करता है लेकिन उससे कहीं अधिक काम करता है भाइयों। स्वराज है, पुराना है, 735 अभी है, 12/4/28 के पिछले टायर हैं भाइयों इसमें। और देख सकते हैं आप ट्रैक्टर को, बहुत ही गजब साफ सुथरा ट्रैक्टर, गजब कंडीशन वाला है, अच्छा ट्रैक्टर है। तो ये 97 से पहले वाले, जो 99 से पहले वाले मॉडल हैं उन ट्रैक्टरों से हटकर है भाइयों ये। और इसमें 3 गियर हैं ट्रैक्टर में, तो बहुत ही लाजवाब काम करता हुआ भाइयों। इसका डीजल खर्च है 1 लीटर के करीब, 1.25 लीटर के करीब है इसका डीजल खर्च, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और पीटीओ सिस्टम से इसमें काफ़ी मोटा पाइप लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और ट्रैक्टर की आप साउंड सुन सकते हैं भाइयों, तो बहुत ही ज़बरदस्त साउंड है ट्रैक्टर की। ये सुन सकते हैं आप भाइयों, यहाँ पे इसकी गोल लाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, किसान की खेती के लिए तकनीक की जरूरत होती है भाइयों। ये देख सकते हैं आप लाइव डेमो भाइयों, और ट्रैक्टर जो है अपनी आइडियल रेस पर चल रहा है भाइयों, आइडियल रेस पर ट्रैक्टर चल रहा है, बिल्कुल भी आरपीएम नहीं है इसमें, आदर्श जो इसकी चाल होती है इसमें बिल्कुल भी रेस नहीं दे रखी है भाइयों। इसमें यदि रेस दे दी जाए ना तो भाइयों ट्रैक्टर जो है पाइप वगैरह पूरे इधर उधर कर देगा, ये किसान का काम बना रहा है। यदि इसमें रेस दे दी जाए ना तो किसान का काम बिगाड़ देगा। तो बहुत ही धाकड़ ट्रैक्टर है और धाकड़ काम कर रहा है। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और इसका कितना पानी देता है ये, तो आपको ये भी दिखाऊंगा मैं आपके लिए। तो चलते हैं जहां पर पानी जा रहा है इसका, बहुत ही प्यारी साउंड है ट्रैक्टर की, 39 हॉर्स पावर है भाइयों ये। ये देख सकते हैं आप, तो ये पानी कितना दे रहा है उसको भी दिखाऊं मैं आपके लिए। इसमें सिस्टम एक पंखे वाला और लग सकता है यहाँ पे, इसमें एक पंखा और लगा सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है किसान का और कम डीजल लेता है भाई। अब ये 3 सिलेंडर है तो 3 इसमें नोजल लगे हुए हैं, तो तीनों को बराबर डीजल चाहिए। अब जैसे कोई 1 सिलेंडर ट्रैक्टर होता तो ये उसके लिए बहुत बढ़िया काम रहता,
जैसे एक सिलेंडर ट्रैक्टर तो वो इससे भी कम डीजल लेता और पानी भी उतना ही फेंकता जितना ये फेंक रहा है। तो इसमें तीन सिलेंडर और एक सिलेंडर में अंतर यही है, क्योंकि ये डीजल थोड़ा ज़्यादा ले रहा है और वो एक सिलेंडर रहता है उसमें एक नोजल रहता है, तो वो डीजल जो है आपका कम लेगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो, तो कमेंट बॉक्स में अपनी जो बात है भाइयों बताएं कि ट्रैक्टर आपको कैसा लगा और किन भाइयों के पास में ट्रैक्टर है ये। और इसका पानी दिखाता हूँ मैं, अब आगे चल के आपको दिखाता हूँ पानी कहाँ पर गिर रहा है इसका। तो यहाँ पे आ चुके और ये पानी देख सकते हैं आप, ये है भाई उसका पाइप। तो पानी बहुत ही ज़बरदस्त दे रहा है उसका पाइप, देख सकते हैं आप। यूं समझो आप कि एक नदी से दूसरी नदी निकाल दी इस ट्रैक्टर ने। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार, धन्यवाद भाइयों। किसान अपने खेतों पर गेहूं में पानी दे रहे हैं। राम राम जी।